अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सबको सेहतों से नवाजे, अल्लाह हर घर के परेशानियों को दूर करे। जो जो लोग दुआ के लिए बोले हैं उन सबके दुआएं कबूल करें। आज हम डायमंड्स कुकिंग में समोसों की रेसिपी लेके आए हैं। समोसे बनाना कैसा बनाते, लेके आए हैं। ये समोसे की पट्टी बाहर कहीं भी खरीफ की शॉप पे कहीं भी मिल जाएंगे आपको। ऐसे पट्टियाँ रहते ये तकरीबन इसमें 100 पट्टी रहती समोसों की। ये मैं चिकन बना के रख ली थी मैं पहले से। खीमे के भी बना सकते हैं आप, चिकन के भी बना सकते हैं। एक एक पट्टी ऐसा लेंगे अपन। पूरा पहले अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे। बहुत इजी है बनाना ये समोसे की पट्टी की ज़रूर ट्राई करिए आप। देखिए अपन चिकन डाल लिए इसमें। ऐसा एक सेट ऐसा लेके ऐसा फोल्ड करेंगे, फिर ये सेट को ऐसा दबा के आप ये सेट से ऐसा फोल्ड करना। बहुत इजी है। फिर ऐसा फिर इसको दबाना कोने से, फिर ऐसा दबा के ऐसा फोल्ड करना। ये कोने से ऐसा करके फिर इसको कोने से ऐसा करेंगे। बहुत इजी है। फिर इसको लास्ट में थोड़ा सरका पानी लगाएंगे, फिर ये ऐसा करके इसमें ये ऐसा करेंगे। देखिए कितना अच्छा समोसा बन के रेडी हो गया अपना, अच्छी तरह से पैक हुआ समोसा। फिर ऐसा रख लेंगे अपन साइड में। फिर अभी एक बनाना बताऊँगी। अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे इसको। फिर इसमें चिकन डाल देंगे, आप इसकी जगह खीमा भी डाल सकते हैं। इसको ये कोने से ये देखिए ऐसा लेके ये ऐसा फोल्ड करना, फिर इसको ऐसा फोल्ड करना। बहुत इजी है। देखिए फिर इसको ऐसा ये ऐसा ऐसा करके फिर इसको ऐसा फोल्ड करना, फिर ये कोने को ऐसा दबा के फिर इसको ऐसा फोल्ड करना। देखिए कितना माशाल्लाह कितना इजी आसानी से बने देखिए समोसे अपने। देखिए फिर इसको ऐसा अंदर कर देंगे। देखिए ज़बरदस्त से समोसे बन के रेडी है। अभी एक बताती मैं आपको। अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे। ऐसा फोल्ड करेंगे इसको, ये कोने को मिलाएंगे ऐसा। फिर ये कोने से ये कोने को फोल्ड करके इसको मिलाएंगे, फिर ये कोने से ऐसा फोल्ड करके इसको मिलाएंगे, फिर ये कोने से ऐसा फोल्ड करके इसको मिलाएंगे। ख़त्म। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत इजी बहुत आसानी से अपना समोसा बन के रेडी हो गया। इसको पानी लगा देंगे अच्छी तरह से ताकि अच्छा चिपके, नहीं तो तलते वक्त ये खुल जाते। इस वास्ते पानी लगाना ज़रूरी है। देखिए कितनी आसानी से कितना अच्छा शेप बन के रेडी हो गया देखिए समोसे का। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत जनों को ये ऐसा बनाने नहीं आता, टेढ़ा भिंगा जैसा चाहे वैसा बना लेते समोसे। समोसे दिखने में भी खूबसूरत रहना, खाने में तो सब एक जैसे रहते, कैसा भी बना लो आप शेप, मगर दिखने में भी अच्छे दिखना समोसे वो बहुत बड़ी बात है। चलिए मैं इसको अब फ्राई करके बताऊंगी। चलिए देख सकते हैं अपन समोसे बना के साइड में रख लिए। नेक्स्ट अपन ये प्याज कट कर लिए, इसकी पकौड़ी बना लेंगे। खड़ी प्याज देख सकते हैं ऐसी बारीक अच्छी कट करी मैं, हाथ पे ही कट करी पूरी खड़ी प्याज। ये तकरीबन 4 से 5 है ये, अगर आपके हिसाब से जितने चाहे उतने ले सकते हैं। अपन पकौड़ी बनाएंगे इसकी। नेक्स्ट अपन ये मिर्चियाँ हैं मेरे पास, मोटे मिर्चियाँ। ये मोटे मिर्चियाँ जो बाज़ार में मिलते हैं जो मिर्चियाँ वो है ये। इसकी मिर्चियाँ तलेंगे अपन, समोसे तलेंगे, मिर्चियाँ तलेंगे, पकौड़ी तलेंगे, आलू के भजिए तलेंगे। पूरा प्लेटर बनाएंगे अपन पूरा भजियों का, और जूस बनाएंगे, सूप बनाएंगे, सो भी चीज़ें एक साथ बताऊँगी मैं आज आपको। वन बाई वन ज़रूर देखिए, स्किप मत करिए मेरी वीडियो को। आज की बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है मेरी वीडियो। मिर्ची अच्छी तरह से वॉश कर ली मैं, इसको अपन बीच में से ऐसा डंडी नहीं कट करेंगे, डंडी नहीं तोड़ेंगे, बीच में से ऐसा कट कर लेंगे। इसके भिंजा थोड़े थोड़े भिंजा निकालेंगे, ऐसा आसानी से निकल जाते देखिए भिंजा ये, ऐसा पूरा भिंजा निकाल लेके इसमें मैं पेस्ट बना के रखी पूरा ये। इसमें पेस्ट बनाते वक्त मैं इमली को पहले भिगा के रख ली थी, उसके बाद ग्राइंडर में
इमली, जीरा, मिर्ची, नमक, शक्कर सभी चीज़ें डाल के ग्राइंड कर ली मैं। और इसमें अपन थोड़ा थोड़ा लेके ऐसा सा भरेंगे। अच्छा हाथ से ही भरना तो अच्छा भरे जाता पूरा कोने कोने तक, और अच्छे खट्टे मिर्चियाँ अच्छे दिखते हैं फ्राई करे बाद, अपने मिर्चियाँ बहुत ज़बरदस्त दिखते हैं। ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी को। ऐसे ही पूरे भर लेंगे अपन मिर्चियों में इमली, पूरा भर के फिर बताऊँगी मैं। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से मैं मिर्चियों में इमली भर ली, और ये प्याज है एक साइड में रख लेंगे। तरबूज का जूस बना लेंगे, इसके लिए मैं तरबूज अच्छी तरह से कट कर ली, देख सकते हैं अच्छे बड़े बड़े पीसेस है, इसको कट कर ली मैं। एक मिक्सी जार ले ली मैं, जूसर है ये, इसमें अपन ये तरबूज डाल देंगे, अच्छी तरह से जूस बना लेंगे। बहुत गर्मियों में बहुत ठंडा बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होता तरबूज का जूस। चलिए शक्कर डाल देंगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से, ऑलरेडी भी मीठा रहता है ये तरबूज, ज़रा देख के डालिए बहुत मीठा अच्छा नहीं दिखता। एक चुटकी बराबर नमक ऐड कर रही हूँ इसमें मैं, ये आइस क्यूब्स है, इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे अपन। बहुत ठंडा बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होता, पानी ज़रा भी ऐड नहीं करना, पानी डालने से बहुत पानी पानी होता। ऑलरेडी अपन बर्फ़ डाल दिए इसमें, अब ग्राइंड करके बताऊँगी मैं। चलिए अपना जूस बन के रेडी हो गया, जग ले ली मैं, जूस निकाल लेंगे अपन जग में, इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे। अच्छा ठंडा दिखता, रोज़ा खोले वक्त पिए तो बहुत अच्छा दिखता जूस ये। अच्छी तरह से पूरे इसके भींजा हुए सब छान ली, छान लेके इसमें जग में निकाल ले रही हूँ। ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत अच्छा जूस रेडी हो गया देखिए। चलिए अब इसको फ्रिज में रख लेंगे, नेक्स्ट बताऊँगी। चलिए नेक्स्ट अपन चिकन सूप बना लेंगे, इसके लिए हड्डी का चिकन ले ली मैं, बहुत अच्छा इससे बहुत अच्छा सूप बन के रेडी होता है। देखिए नल्ला है, क्या बोलते हैं नल्ली। चलिए अपन इसको, चलिए अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा का, थोड़ा सा का नमक ऐड करेंगे, पानी ऐड कर देंगे गलने के लिए। चलिए कुकर का ढक्कन लगा लेंगे अच्छी तरह से, इसको गलने के लिए रख देंगे अपन, नेक्स्ट बताऊंगी। चलिए मैं बेसन है ये, बेसन तकरीबन दो कप बेसन ले ली मैं, इसमें अपन अदरक लहसुन का अच्छी तरह से छान ली। बगैर छाने के आप कभी भी यूज़ नहीं करना बेसन। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है एक चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर है एक चम्मच, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर है, सोडा है आधा चम्मच, अजवाइन है थोड़ा सा का अजवाइन है। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, सभी चीज़ें ऐड कर दिए इसमें, कोथमीर पुदीना भी ऐड कर देंगे, पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भिगा लेंगे बेसन को, अच्छा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे इसका। चलिए देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बेसन बन के रेडी हो गया अपना, एक साइड में रख लेंगे अपन, देखिए कितना अच्छा बना, एक साइड में रख लेंगे, नेक्स्ट बताऊंगी फिर। चलिए दही बड़ों के लिए मैं दही ले ली, दही की अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से फेंक लेंगे दही को। चलिए इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ 1 टी स्पून, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए, 1/2 टीस्पून ऐड करी मैं, कोथमीर पुदीना ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा का पानी ऐड कर देंगे, अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों। चलिए अपन अपने दही बड़ों के भजिए, मिर्चियाँ, पकौड़ी, समोसे सभी चीज़ें फ्राई कर लेंगे अपन। अब चिकन भी अपना रेडी हो गया अच्छी तरह से बॉईल हो गया, चिकन भी सूप भी बना लेंगे। चलिए चलिए सबसे पहले अपन मिर्चियाँ तल लेंगे, देखिए मिर्चियों में अच्छी तरह से मसाला भर लिए थे अपन, देखिए कितना इजी है यूँ ऐसा देखिए। चलिए अच्छी तरह से मिर्ची डाल दी मैं, मिर्ची को अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर के निकाल लेंगे अपन।
अच्छा गरम गरम तेल में डालना है। ये मिर्चियाँ अच्छे फूलते, देखिए बाजार जैसे होते, घर पे सेम बन के रेडी होते। चलिए माशाल्लाह से मिर्चियाँ अपने रेडी हो गए, कितने अच्छे फ्राई हुए देखिए, पूरे बाजार का लुक आया पूरा। चलिए निकाल लेंगे अपन ये मिर्चियाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त मिर्ची फ्राई हो गई अपनी। नेक्स्ट अपन पकौड़ी फ्राई कर ली है, पकौड़ी के लिए एक कटोरा ले ली मैं, दूसरा ले ली, पकौड़ी फ्राई कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा का बेसन अपन भिगा के रखे, सो बेसन डाल दे रही मैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों। हाथ से ही मिक्स करना, हाथ से मिक्स करें तो बहुत अच्छा मिक्स होता। चलिए दूर 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 ऐसा डालेंगे अपन पकौड़ी, पूरी बाजार जैसी घर पे ही बन के रेडी होती अपनी पकौड़ी, बहुत अच्छी बन के रेडी होती पकौड़ी। अच्छा तेल गरम रहना, ज़रा भी तेल को ऐसा कुनकुना हुए नहीं रहना, तेल जितना अच्छा गरम रहेगा पकौड़ी उतनी अच्छी बन के रेडी होती है आपकी। देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो रहा है देखिए, और अच्छी कड़क तलना है इसको, ज़रा भी नरम नहीं रहना, पूरी बाजार जैसी घर पे ही रेडी होती है अपनी पकौड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाइए। चलिए देख सकते हैं अपनी पकौड़ी बन के रेडी है, इसको भी निकाल लेंगे। अच्छा तेल अच्छा छान के निकालना, तेल ज़रा भी नहीं रहना, इस तरीके से निकालिए। तेल बहुत गर्म है, आप केयरफुल्ली काम करिए, रमज़ान में तेल के चीज़ें रहते। चलिए नेक्स्ट अपन समोसे बना के रखी थी मैं, समोसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन इसको। चिकन के समोसे है ये, चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए समोसों का कलर, ऐसे ही चाहिए देख सकते हैं। तेल अच्छा निकलना, ज़रा भी तेल नहीं रहना, इसको भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। चलिए समोसे अपने रेडी हो गए, नेक्स्ट अपन आलू के भजिया फ्राई कर लेंगे। मिर्चियाँ तले गए, समोसे तले गए, चिकन के पकौड़ी बनी गई, आलू के भजिए है ये। चलिए ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे इसका आलू के भजिए, कितने अच्छे फूले देखिए आलू के भजिए। केयरफुल काम करिए आप तेल का। चलिए चल ये भजिए रेडी हो गए, भजियों को भी निकाल लेंगे अपन एक प्लेट में। नेक्स्ट अपन धैमड़ों के भजिए तल लेंगे। एक फ्राई पैन रख ली मैं, धैमड़ों के भजिए फ्राई पैन में या खुली कढ़ाई में अच्छे तले जाते, चपटे होते ना तो गोल 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 होते, बहुत अंदर बहुत वो रहते अंदर, सख्त हो जाते अंदर, इसलिए मैं फ्राई पैन ले ली धैमड़े के भजिए तलने के लिए। चलिए तेल अच्छा अच्छी तरह से गर्म हो गया, भजिए डाल देंगे अपन। चलिए माशाल्लाह से धैमड़ों के भजिए भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए, अब इसको निकाल लेंगे अपन। ये दही का पानी है, मैं ये पानी ले ली, उसमें दही अपन फेंट के रखे थे, सो दही एक चम्मच डाल ली, नमक डाल ली, इसमें ही अपन ये धैमड़ों के भजिए डालेंगे, नरम मुलायम बन के रेडी होते अपने धैमड़ों के भजिए इसमें। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से नरम हो गए, इसका अच्छा पानी निकाल लेंगे अपन, ऐसा बहुत नहीं दबाना, लाइट दबाना खाली, देख सकते हैं खाली लाइट दबाना, लाइट दबा के पानी निकाल लेंगे इसका। चल फ्राई पैन में का तेल मैं निकाल ली, थोड़ा सा का तेल रखी, इसमें अपन जीरा डाल लेंगे अपने हिसाब से बघार के लिए, बघार की मिर्ची है। थोड़ा सा का करियापक है, करियापक को हाथ से ऐसा तोड़ के पा लेंगे अपन। चलिए इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अपन सभी चीज़ों को, दही बगा लेंगे अपन, थोड़ी सर की हल्दी डालेंगे, हल्दी से कलर अच्छा आता, थोड़ी एक चुटकी डालेंगे बस, ज़्यादा नहीं डालेंगे, धैमड़ों का कलर बहुत अच्छा दिखता है इससे।
चलिए बगा लेंगे अपन, चलिए दही बगा लेंगे। माशाल्लाह थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें। चलिए अपना दही बड़ों का दही भी बन के रेडी हो गया, भजिया भी बन के रेडी हो गया, अपन सूप बना लेंगे अपन। चलिए अपन चिकन सूप के लिए, ये चिकन गला है सो पानी है इसका, इसमें अभी पानी ऐड कर देंगे अपन, तकरीबन 2 गिलास के तक पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें अपन नमक डालेंगे, नमक अपन गलाते वक्त भी डाले थे चिकन, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख के डालिए नमक। मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड करी इसमें, कोथमीर है, पुदीना, कोथमीर, स्वीट कॉर्न है, ये स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे, बॉईल होते वक्त ही अच्छा गल जाते हैं स्वीट कॉर्न। चिकन डाल देंगे अपन, बॉईल करके रखे थे चिकन को, मैं पूरा हड्डी अलग चिकन गोश अलग कर ली थी मैं चिकन को, और हाथ से ही करना, ग्राइंडर में नहीं करना, ग्राइंडर में करने से बहुत छोटे छोटे हो जाते पीसेस, ये पूरा बाजार जैसा बन के रेडी होता। अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे इसको, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे इसमें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से करिए, ज़्यादा तेज़ भी अच्छा एकता सूप। खाली शाजीरा का पाउडर ऐड करी 1 टीस्पून, गरम मसाला पूरा नहीं ऐड करना, खाली काली मिर्ची का पाउडर ऐड करना, सूपों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। ये चिकन ट्यूब्स है, ये चिकन ट्यूब्स डाल देंगे अपन तोड़ के इसमें, बॉइल होते वक्त ही डाल देना, अच्छा मिक्स हो जाता। चलिए अच्छा बॉईल हुए तक पका लेंगे अपन इसको। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से बॉईल हो रहा, मैं ये 2 टीस्पून के होता ये कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके रख ली थी वो ऐड कर लेंगे अपन। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सूप बन के रेडी हो गया अपना, देख सकते हैं कितना अच्छा बना सूप। चलिए इसको अब सर्व कर लेंगे अपनी, सभी चीज़ें रेडी हो गए अपने बन के, सर्व करके बताऊँगी अब। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, टमाटो सॉस है, ये ग्रीन चटनी है पुदीने की, ये खट्टी मिट्टी चटनी है, अपन बाकी के सभी चीज़ें सर्व कर लेंगे। ये आलू के भजिए है, आलू के भजिए फ्राई करके रखे थे अपन, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये प्याज की पकौड़ी है, कितनी कड़क बन के रेडी हुई देख सकते हैं, प्याज की पकौड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी प्याज की पकौड़ी। मिर्चियाँ हैं, मिर्चियाँ भी देख सकते हैं कितने अच्छे बन के रेडी हुए मिर्चियाँ अपने, पूरे बाजार जैसे गरम गरम हैं। समोसे हैं चिकन के, देख सकते हैं पूरे चीज़ें बन के रेडी है। दही बड़े सर्व कर लेंगे अपन, दही बड़ों के भजिए है ये, भजिए अपन पानी में भिगा के रखे थे अच्छी तरह से नरम हो गए भजिए, पानी में भिगा के निकाल लिए थे अपन। ये दही बड़ों का दही है, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त दही बड़े बन के रेडी हुए अपने। चलिए सूप निकाल लेंगे अपन, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त सूप बन के रेडी है। देख सकते हैं कितना अच्छा सूप बना अपना, माशाल्लाह माशाल्लाह सभी चीज़ें रेडी है। तरबूज का जूस भी बनी मैं, तरबूज का जूस भी रेडी है अपना, पूरी इफ्तारी रेडी है आज अपनी। ये लेमन टैंक है, ये
थेम्बड़े है, लेमन टैंक है, चलिए देख सकते हैं। चलिए देख सकते हैं, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। चलिए जब तक के अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी मैं। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।